भगवान शिव के कई मंदिरों के दर्शन आपने जरूर किए होंगे, लेकिन आपको आज शिवजी के ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जिसके बारे में जानकर आपको हैरानी होगी। जी हाँ, भगवान शिव का यह मंदिर दिन में दो बार गायब हो जाता है। अपनी इसी खासियत की वजह से यह मंदिर भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ आने वाले भक्त हर दिन इस मंदिर को गायब होते देखते हैं। यह मंदिर गुजरात के वडोदरा से कुछ दूरी पर जम्बूसर तहसील के कावी कम्बोई गाँव में स्तंभेश्वर महादेव मंदिर नाम से स्थित है। इस अद्भुत स्तंभेश्वर महादेव मंदिर को गायब मंदिर नाम से भी जाना जाता है, इसलिए गायब हो जाता है मंदिर। हालांकि आंखों के सामने से गायब होने के कुछ समय बाद ही ये मंदिर अपने स्थान पर नजर आने लगता है। वैसे ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि प्रकृति की एक मनोहारी परिघटना है। समुद्र किनारे मंदिर होने की वजह से जब भी ज्वार भाटा उठता है तब पूरा मंदिर समुद्र में समा जाता है। यही वजह है कि लोग मंदिर के दर्शन तभी कर सकते हैं जब समुद्र में ज्वार कम हो। ऐसा बरसों से होते आ रहा है, यह आज की बात नहीं है। ज्वार के समय समुद्र का पानी मंदिर के अंदर आता है और शिवलिंग का अभिषेक कर वापस लौट जाता है। यह घटना प्रतिदिन सुबह और शाम को घटित होती है। अरब सागर के मध्य कम्बे तट पर स्थित मंदिर में सागर के सामने इस मंदिर को देखने के लिए भक्तों की भीड़ लगी रहती है। स्कंद पुराण के अनुसार इस मंदिर का निर्माण कैसे किया गया या इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस कथा के अनुसार आपको बताते हैं। राक्षस ताड़कासुर ने अपनी कठोर तपस्या से शिव को प्रसन्न कर लिया था। जब शिव उसके सामने प्रकट हुए तो उसने वरदान मांगा कि उसे सिर्फ शिवजी का पुत्र ही मार सकेगा, और वह भी 6 दिन की आयु का। शिव ने उसे वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही ताड़कासुर ने हाहाकार मचाना शुरू कर दिया, देवताओं और ऋषि मुनियों को आतंकित कर दिया। अंततः देवता महादेव की शरण में पहुंचे। शिव शक्ति से श्वेत पार्वत के कुंड में उत्पन्न हुए शिव पुत्र कार्तिकेय के 6 मस्तिष्क, 4 आंख और 12 हाथ थे। कार्तिकेय ने ही मात्र 6 दिन की आयु में ताड़कासुर का वध कर दिया था। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल punjabkesari.com को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करना ना भूलें।